नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल्लाह रहमानी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद लगातार परिवार के भीतर जो अंतरकला बढ़ती जा रही है, और इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव से अलग जाकर के एक बड़ा फैसला लिया है। ये बात जो है बिल्कुल पूरी तरीके से जो है तय मानी जा रही थी कि दरअसल अपर्णा यादव जो बड़ा फैसला लेंगे उसका असर कहीं ना कहीं यादव परिवार पर जरूर पड़ेगा, और हुआ भी ऐसा। दरअसल अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद लगातार उनके सुरजे वो बदलते नजर आ रहे हैं, और पार्टी के खिलाफ ही वो तमाम बातें रख रही है, और साथ ही परिवार के खिलाफ भी वो नजर आ रही है। ऐसे में किसी ने ये सोचा नहीं था कि दरअसल मुलायम सिंह यादव के निधन के इतने कम दिनों बाद ही अपर्णा यादव इस तरीके से यादव परिवार को एक बड़ा झटका देगी और परिवार से अलग जा करके एक बड़ा फैसला जो है वो ले लेगी। दरअसल आप देखिए जिस तरीके से अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के बीच अनबन देखने को मिलती है, और दोनों भाइयों के बीच कभी बनता हुआ नजर नहीं आया, और उसी खेल का बदला अपर्णा यादव जो है वो राजनीतिक मैदान में लेने जा रही हैं, और यह कयास आ रही तेज हो गई है। साथ ही सूत्र ये बता रहे हैं कि दरअसल अपर्णा यादव को बीजेपी मैनपुरी से लोकसभा चुनाव में उतार सकती है, और इसका सीधा नुकसान यादव परिवार को ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि मैनपुरी सीट से लोकसभा के सदस्य मुलायम सिंह यादव थे और उनके निधन के बाद अब वो सीट खाली हो गई है। ऐसे में अपर्णा यादव को उसी सीट से बीजेपी उतार कर जो यादव कुंभा का एक वोट है, जो यादव बिरादरी का एक वोट है, उसमें सेंधमारी करने का एक पूरा प्लान जो है वो बीजेपी ने तैयार कर लिया, और इस लड़ाई में पूरी तरीके से अपर्णा यादव जो है शामिल है, और आने वाले समय में पूरी तरीके से यादव परिवार में भी एक बड़ी टूट के जो आसार है वो भी नजर आ रहे हैं, और साथ ही अपर्णा यादव इस खेल में सबसे ज्यादा सहयोग देती नजर आ रही है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज को। धन्यवाद।